रखना चाहिए गाइस, इतना रिस्क लेकर नहीं चलाना चाहिए। देख रहे हो भाई, ये देखो ये देखो क्या कर रहे हो आंटी। यार आओ भाई, यार ये क्या यार क्या कर रही है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज का जो ब्लॉग होने वाला ना गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड ने कहा पार्टीशीट बहुत ही अच्छा इस बार डेकोरेशन हुआ, तो मैं सोच रही थी आज मैं रात में उसी जगह जाऊं और मैं आप लोगों को ये भी चीज दिखाऊं कि पार्टीशीट इस बार किस तरीके से डेकोरेशन हुआ है गाइस। तो इस ब्लॉग को आप लोग बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना गाइस, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और ये ब्लॉग कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर पसंद आया गाइस तो लाइक कर देना, कमेंट करना और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलता हूँ इस ब्लॉग को स्टार्ट करने। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से पेट्रोल लेना पड़ेगा और देखते हूँ यहाँ पे पेट्रोल पंप है कहाँ पे। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लाइन लगा हुआ है पेट्रोल के लिए, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। 200 कुड़ी पेट्रोल भरा चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा ठंड है गाइस, अब मैं थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करूंगा। रेस हो रहा है भाई, मतलब ये लोग को क्या बोलूं, जहां देखते हैं कि यहाँ ब्लॉग शूट हो रहा है कैमरा है तो इन लोगों को पता नहीं है, अचानक से बाइक का स्पीड इतना बढ़ जाता है कि मैं क्या ही बोलूं। कोई बात नहीं, मतलब सोचा नहीं था कि इतना कुछ कपड़ा पहनने के बाद भी इतना ठंड लग सकता है गाइस, मतलब क्या ही बताऊं। उफ, यहाँ पे ड्रिंक का केस दिया जा रहा है। ये देखो क्या कर रहे हो आंटी, मतलब फोन में बात करते हुए आ रही है यार। आजकल मतलब एक आदत से हो गया गाइस, अंकल लोग भी मतलब स्कूटी या बाइक कोई सा भी हो इतना स्पीड चलाते हैं ना जैसे कि उन्हें उनकी ट्रेन छूट रही हो। नहीं करना चाहिए गाइस, इतना रिस्क लेकर नहीं चलाना चाहिए। देख रहे हो यार जाम, देखो भाई जाम देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं यार, यहाँ से टर्न लेते हैं कोई, लगता है बहुत ही ज्यादा जाम लगा हुआ है। मतलब लोग जैसे तैसे गाड़ी घुमा कर ना जाम लगा देते, देखो यार इतना जाम भी नहीं है भी ना हो, देखो देख रहे हो भाई, मतलब क्या ही बोलूं इन लोगों को, हाथ दिखाकर मतलब मैं नहीं रुकूंगी, तुम लोग रुक जाओ यार। बहुत देर हो गया था, चल थोड़ा टालने की कोशिश करता हूँ भाई, इस बार कुछ तो अलग किया है गाइस। ये देखो भाई क्या लग रहा, शिट ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे यार, मैं आप लोगों को नीचे से दिखा दे रहा हूँ गाइस। ये देखो मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, मैं थोड़ा सा पहले आ जाता ना गाइस तो मुझे ब्रिज के ऊपर चढ़ने मिल जाता, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा पाता गाइस। क्या चला रहे यार अंकल ये भी, यार बहुत ही ज्यादा पुलिस लोग इस बार है यार, देख रहे हो भाई
सच में भाई, सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इस बार डेकोरेशन हुआ है, मतलब क्या ही बताऊं। मुझे सच में इतने दिनों के बाद मुझे एक बार, पहला बार मुझे इतना अच्छा लगा गाइस। यार कोई निकलने दो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ही इस बार बहुत ही ज्यादा पसंद आया गाइस। मतलब सोचा नहीं था इस बार इतना ज्यादा खूबसूरत मतलब डेकोरेशन होने वाला है। मैं ज्यादा कट नहीं मारू ना गाइस, क्योंकि समझ से अगर मैं कट मारूंगा, अगर बाय चांस गाइस अगर किसी को धक्का लग गया या कुछ भी, मतलब यार समझ लो केस बनता ही है, समझ। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आस्ते आस्ते चल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब दिखा पाऊँ। अगर मैं जल्दी जल्दी जाऊँगा ना तो आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगा। क्या हुआ भाई, रेस होने वाली है क्या? यार दोनों तरफ R15 लेकर खड़े हैं। चलो भाई, यार ये R15 पूरा मतलब रेडी होकर है, ताना तानी होने वाली है। देख रहे हो भाई, ये देखो रेस लग गई भाई, रेस लग चुकी है। खत्म हो गए यार, आओ भाई आओ। यार ये क्या यार क्या कर रही है ओ भाई, यार तो मैं यहाँ पे पहले बाइक को सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो क्या हुआ था ना गाइस, मतलब मेरे कैमरा का चार्ज नहीं था, इस वजह से मुझे रास्ते में ही मैं अपना ब्लॉग को एंड किया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग शूट पे नहीं जा रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना गाइस, मैंने कैमरा में एक बार भी चेक नहीं किया कि मेरे कैमरे में चार्ज है या नहीं है। तो मैं अचानक से निकल गया कि मुझे ब्लॉग शूट करना था, और जब मैं ब्लॉग कंप्लीट किया ना गाइस, उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे कैमरे में चार्ज नहीं है। तो इसके वजह से मुझे रास्ते में अपना ब्लॉग को एंड करना पड़ा गाइस। तो मैं अभी घर पहुंच चुका हूं, मैं अपने कैमरे में चार्ज भी कर चुका हूं। चार्ज करने के बाद ये ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूं गाइस, क्योंकि आप लोग भी सोचोगे कि ये ब्लॉग को रास्ते में क्यों एंड कर दिया। तो यही प्रॉब्लम हो गया था गाइस रास्ते में, तो उसके लिए आप लोग गलत मत समझना गाइस कि मैं ब्लॉग रास्ते में क्यों एंड कर दिया। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा गाइस तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।